कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। 75 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की सीढ़ी चढ़कर सत्ता में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद को करोड़ों के शराब घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में लिए जाने के बावजूद पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो 10 साल पहले दूसरे नेताओं पर खुले मंच से भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। ये वही केजरीवाल है जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए पानी पी पी कर सरकार को कोसता था। कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। ये वही केजरीवाल है जो भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर आजीवन कारावास की मांग करता था। कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उस भ्रष्टाचार की शिकायत की 6 महीने के अंदर जांच करो, 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा करो और 1.5 से 2 साल के अंदर उन भ्रष्टाचारी नेताओं को और अफसरों को जेल होनी चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लेकिन आज जब खुद केजरीवाल अपने साथी मंत्रियों के साथ भ्रष्टाचार मामले में सलाखों के पीछे जा पहुंचा है तो ये पलटू राम इस्तीफा देने के बजाय जेल से ही सरकार चला रहा है। दिल्ली और देश की जनता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दिन रात गला फाड़ने वाला, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाला केजरीवाल खुद इतना सत्ता लुलुक निकलेगा। केजरीवाल ने देश की राजनीति में बेशर्मी का नया रिकॉर्ड बना दिया है जो 75 साल में बड़े से बड़ा कोई भ्रष्ट नेता नहीं कर पाया। जेल से सरकार चलाकर केजरीवाल ने वो भी करके दिखा दिया है।